नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं असेंशियल न्यूट्रेंट यानी आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व जैसे कोई भी पौधा होता है उसको अपना जीवन चक्र करने के लिए कोई कोई न्यूट्रेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, पौधों को कितनों की आवश्यकता होती है, कौन से लाभदायक है, उनके बारे में अपन चर्चा ही करेंगे। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बेटा 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 17। और दूसरी बात करें कि सर लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में किसने बताया और इसकी अनिवार्यता किसने खोजी। तो एक दो साइंटिस्ट थे, एक तो था आर्नोन और एक दूसरा था स्टाउट। इन्होंने सन 1939 में इसकी खोज की, फिर इनके दोबारा से आर्नोन ने खोज की 1954 के अंदर। आपको यह भी याद रखना है कि सबसे पहले खोजा गया पोषक तत्व कौन सा था, वो फेरस था। और वो किसने खोजा था? ग्रीस ने खोजा था। और कब खोजा था? 1837 के आसपास उसको खोज हुई थी। और सबसे अंत में खोजा गया यानी लास्ट में खोजा गया वो पोषक तत्व कौन सा था? तो याद रखिए वो निकल था। और उसकी खोज कब हुई? 1987 में हुई। और किसने की? ब्राउन ने की। तो आपको याद रखना है कि टोटल पोषक तत्व पौधों को कितनी आवश्यकता होती है? 17। तो अपन पहले पहले याद रखिए आवश्यक पोषक तत्व क्या लिखेंगे बेटा? पोषक तत्व। देखिए पोषक तत्व इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन न्यूट्रेंट्स। क्या बोलेंगे? न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट्स या न्यूट्रेंट। अब आपको ये पहले उस पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर कोई भी पौधा है उसको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। सर आवश्यक पोषक तत्व किसके लिए? पौधों के लिए। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 17। कितने हैं बेटा? 17। आपसे पहला ही पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी बात आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजा गया पोषक तत्व, सबसे पहले खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है? तो आपको आंसर होगा बेटा क्या होगा? फेरस। कौन सा होगा बेटा? फेरस। फेरस को खोजा था किसने? ग्रीस ने खोजा था। कब खोजा था? 1837 के आसपास। ये या आपको याद रखना। दूसरी बात करें सबसे अंतिम में यानी लास्ट अंतिम में खोजा गया पोषक तत्व, सबसे अंतिम में खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है? तो वो भी याद रखना बेटा कौन सा है? तो आपको याद रखना निकल। कौन सा है? Ni। याद रखना इसको किसने खोजा था? ब्राउन ने खोजा था बेटा। किसने खोजा था? ब्राउन ने खोजा था। और कब खोजा था? 1987 के अंदर इसकी खोज हुई है। ये आपको याद रखना। किसने खोजा था? ब्राउन ने। कब खोजा था? 1987 के अंदर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। अब आपसे अगली बार बात करें कि सर आवश्यक पोषक तत्वों की जो कसौटी दी है वो किसने दी है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ये इसको आप देख लीजिए, इसको नोट आउट कर लीजिए, इसके बाद में बात करेंगे। देखिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। अब आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी थी? तो बेटा वो आपको याद रखना है, एक तो था आर्नोन। कौन था? आर्नोन। वह दूसरा कौन सा था? स्टाउट। आर्नोन और स्टाउट ने दी थी। कब दी थी बेटा? 1939 में दी थी। कब दी थी बेटा? 1939 के अंदर आर्नोन और स्टाउट की खोज, आर्नोन और स्टाउट ने खोज की आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी दी। या आप इसको बोल सकते हो अनिवार्य पोषक तत्वों की कसौटी देने वाला, तो आर्नोन और स्टाउट था। इसके बाद में आपसे पूछे कि सर दोबारा खोज किसने की? दोबारा उल्लेख आपसे पूछ ले कि सर दोबारा उल्लेख किसने किया? आपसे पूछ ले कि दोबारा खोज या दोबारा परिभाषित, पुनः परिभाषित, यह भी लिख देता कई बार एग्जामिनर, पुण्य परिभाषित करने वाला कौन था? तो पुण्य परिभाषित किया था आर्नोन ने। किसने किया था बेटा? आर्नोन ने। आर्नोन अकेला था। और कब किया था? 1939 में किया था इसने। किसने किया था? 1939 में। अब एक और पॉइंट आपको याद रखने वाली योग्य बात है कि आर्नोन ने कब किया? 1939 में। जब आपने याद रखे आर्नोन और स्टाउट ने इसकी खोज की, इस कसौटी के बारे में बताया, उस टाइम पर कौन सा पोषक तत्व खोजा था इन लोगों ने? तो इनके द्वारा जो खोला गया था वह 16वां पोषक तत्व था। कौन सा था? 16वां पोषक तत्व। और 16वां पोषक तत्व कौन सा है बेटा? वो आपको याद रखना एमओ। एमओ का मतलब होता है मोलीविडनम। कौन सा है बेटा? मोलीविडनम। आपको यह भी याद रखना है।
16वां पोषक तत्व कौन सा है? मॉलिब्डेनम। यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और दोबारा खोज करने वाला अकेला साइंटिस्ट था वो कौन था? तो आर्नोन था। स्टाउट मर गया होगा, यह आपको याद रखना। आर्नोन यहाँ पे आर्नोन अकेला था, स्टाउट का कोई काम नहीं था। तो यह भी विशेष तौर पर आपको याद रखना है। अब ये फॉन्ट है, इसको नोट आउट करिए बेटा। अब बात यह होती है कि सर आवश्यक पोषक तत्व होते क्या हैं, क्या जरूरी है उनका, क्या रहना जरूरी है। देखिए कोई भी पौधा है, मान ले कोई भी प्लांट्स के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। मान ले कि जैसे जिंक की कमी है धान के अंदर, धान के अंदर जिंक की कमी से होने वाला रोग है खैरा रोग, मक्का के अंदर श्वेत कलिका रोग या व्हाइट बंट डिजीज हो जाती है। अब मान ले कि अपन को पता है कि धान के अंदर वो जिंक की कमी से हो रहा है, तो अपन उसको जिंक की सप्लाई करेंगे जब जाके वो डिजीज मिटेगी। मान ले कोई बीमारी होती है जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, वही न्यूट्रिएंट्स अपन देंगे तो पौधे के अंदर वो बीमारी अपना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अपन मान ले सपोज करो जैसे ऑक्सीजन की कमी से प्लांट्स के अंदर, या आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन की कमी से आलू है, आलू के अंदर आपने देखा होगा भंडारण में, भंडारण करते समय, तो वो एक ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी है। और वो उसके अंदर आलू के अंदर हो जाता है ब्लैक आर्ट, जिसको बोलते हैं ब्लैक आर्ट को बोल सकते हैं क्योंकि काला हृदय रोग, जो आपने देखा होगा आलू के अंदर ब्लैक सिक पड़ती आ जाती, परत आ जाती बीज के अंदर, वो ऑक्सीजन की कमी से आता है। पर ये स्टोरेज की प्रॉब्लम में होती है, स्टोरेज के अंदर होता है ऐसा, तो वो विशेष तौर पर आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार से अपन को ध्यान रखना है कि आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या है इसका पहला रोल। तो आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत याद रखिए, पहला ही पहला पॉइंट तो अपन को याद रखिए कि आवश्यक पोषक तत्वों के अंदर, देखिए पहला लिखिए पौधों को अपना जीवन चक्कर है पूरा करने के लिए पौधों को अपना जीवन चक्कर पूरा करने के लिए, देखिए बेटा जीवन चक्कर पूरा करने के लिए, पौधों को अपना जीवन चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी पोषक तत्व की कमी होने पर वही पोषक तत्व पूरा करता है। मान ले कि सपोज करो जैसे धान के अंदर है, जैसे एग्जाम्पल धान में खैरा रोग, मान ले कि अब धान में खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बेटा? जिंक की कमी से। अब मान ले कि ये बीमारी हो गई, अपने इसकी जगह नाइट्रोजन दें तो ये उचित नहीं है। आप सपोज करिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने बीमार होते हैं, जैसे सिर दर्द हो रहा है, तो अपन पैरासीटामोल लेते हैं ठीक हो जाते हैं। मान ले कि अपने उसकी जगह दस्त की टेबलेट लेते हैं तो वो कार्य नहीं करती है। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि धान के अंदर जैसे जिंक की कमी से रोग हो रहा है, कौन सा? खैरा रोग। अब मान ले कि धान में खैरा रोग हो रहा है, अपने यहाँ पे फास्फोरस दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो वो उसका कोई काम नहीं है। वहाँ पे जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी है वही न्यूट्रिएंट्स पूरा करेगा, जिसकी आवश्यकता है वही पूरा करेगा। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है, इसका मतलब यह कह रहा है कि पौधों को अपना जीवन चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वही पोषक तत्व उसको पूरा करेगा, यथावत नहीं तो उसका जीवन चक्कर पूरा नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है। तथा यहाँ पे लिख लो, तथा जीवन चक्कर पूरा नहीं होगा। यह भी आपको याद रखना लिख लीजिए। दूसरी सेकेंडरी बात करें कि सर दूसरा कार्य क्या है इनका, देखो दूसरा कार्य के अंदर आपको विशेष तौर पर याद रखना है, पोषक तत्व पौधों में उपपाच्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। पाच्य क्रियाओं में भाग लेते हैं यानी मेटाबॉलिज्म भाग लेते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि कौन सी क्रिया है? मेटाबॉलिज्म, कोई भी एक्टिविटीज जैसे फोटो रेस्पिरेशन है उसके अंदर कार्य करेगा, वाष्पोत्सर्जन में कार्य करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझ सकते हैं उपवाच्य क्रिया कौन कौन सी हो सकती है,
जैसे वाष्पोत्सर्जन, एग्जाम्पल जस्ट समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया है जो आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होता है रंध्रों को खोलना और बंद करने का। वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग, उसी प्रकार से अपने याद रखना है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है, पोटेशियम। कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम। दूसरी बात करें तो यहाँ पे अपने एक बात तो यह कर चुके हैं, दूसरी बात करें क्लोरोफिल, नाम सुना होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का एक क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है। क्या है बेटा, वर्णक है। इसके कारण पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल में सबसे महत्वपूर्ण से जो सहायक होता है वो कौन होता है, एमजी, मैग्नीशियम होता है। कौन होता है, मैग्नीशियम। उसी प्रकार से अपने एक ध्यान रखना है ये विशेष तौर पर, ये इस प्रकार से जैसे मान लो कि सपोज करो ये तो हो गई एक्टिविटीज। फलों के अंदर, फलों में रंग का जो विकास करता है, रंग लाने का कार्य करता है, वो गुणवत्ता बढ़ाता है, रंग का कार्य करता है वो भी कौन करता है, पोटेशियम। तो इसी प्रकार से अपन को याद रखना है मेटाबॉलिज्म क्रिया के अंदर एक्टिविटीज करने का कार्य कौन करता है, तो याद रखिए पोषक तत्व कार्य करते हैं। पोषक तत्वों के अंदर अलग अलग है, जैसे अपन पोटेशियम का कार्य अलग हो जाएगा, फास्फोरस है, न्यूट्रेंट्स है, वो सारे के सारे कार्य अलग अलग न्यूट्रेंट्स करेगा। आपको याद रखना है मेटाबोलिज्म, जैसे फास्फोरस है एटीपी वगैरह के अंदर काम करता है, आपको वो भी याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अपन को ये समझना है कि इसी प्रकार से आगे बात करें अपने सर कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण की बात करते हैं। इसके बाद में लिखिए पोषक तत्वों का वर्गीकरण, किसका बात कर रहे हैं, पोषक है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स की बात करते हैं कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखिए सबसे पहली बात करेंगे सर पोषक तत्वों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों के अंदर बटा, दो कैटेगरीज दी, कितनी, दो कैटेगरी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स, क्या लिख सकते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि समझने से पहले अपन को मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, टू टाइप्स, एक हो सकता है मिनरल्स, एक हो सकता है नॉन मिनरल्स। अब मिनरल्स की बात करें कि सबसे पहले पूछे कि सर कि आवश्यक पोषक तत्व है या पोषक तत्वों का वर्गीकरण है वो कितने भागों के अंदर बांटा है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैं दो कैटेगरी ले रहा हूं इसकी, कितने कैटेगरी है, दो कैटेगरी। यहां पे देखिए पहले कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले तो लिखेंगे अपन कौन सा, आपको सबसे पहले लिखिए ए खनिज पोषक तत्व, कौन सा लिखेंगे बेटा, ए खनिज पोषक तत्व, ए खनिज है पोषक तत्व, ए खनिज पोषक तत्व को अपन बोल सकते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आप एक और याद रखिए इसको आधारभूत पोषक तत्व भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, आधारभूत है, आधारभूत पोषक तत्व, क्या बोलेंगे, आधारभूत पोषक तत्व यानी वेस्ट न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा इसको अपने बोल सकते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व, क्या बोल सकते हैं बेटा, संरचनात्मक पोषक तत्व भी कह सकते हैं, संरचनात्मक है पोषक तत्व भी कह सकते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व। इसके अलावा इसको एक और नाम से जान सकते हैं फ्रेमवर्क, यानी कोई न्यू आपको याद रखना फ्रेम बना रहा है तो फ्रेमवर्क है पोषक तत्व भी कह सकते हैं। यह भी अपने बात समझ में आ गई साहब, अब आपको ये बात समझ में आ गई सारी की सारी। तो अब बात करेंगे सर कि आपसे ये पूछे सर इनको प्राप्त करने का स्रोत क्या है, भाई ये न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अपन को बताया गया खनिज पोषक तत्व है, आधारभूत पोषक तत्व है, संरचनात्मक पोषक तत्व है, फ्रेमवर्क पोषक तत्व। ये अपन को बताया गया इसका जो स्रोत है वो जल और वायु हो सकता है, क्या हो सकता है, जल और वायु से प्राप्त होते हैं, जल व वायु से प्राप्त होते हैं, कहाँ से होते हैं बेटा, जल और वायु से प्राप्त हैं होते हैं, ये पहला पॉइंट तो अपन को याद रहना चाहिए। अब आपसे पहले पूछ ले कि सर ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये जल और वायु से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, जल और वायु से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व है। अब इसके अंदर पहली बात करें कि सर कौन सा आ जाएगा, एक नंबर पर आपको याद रखना यह आ जाएगा कार्बन, दूसरा आ जाएगा हाइड्रोजन और तीसरा आ जाएगा कौन सा, ऑक्सीजन, कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। अब आपको याद रखिए देखिए कार्बन की बात करें तो ये कार्बन लिख दिया बेटा, कार्बन, कार्बन के अलावा दूसरा कौन सा आ गया, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और तीसरा कौन सा आ गया, ऑक्सीजन, यह लिख दिया बेटा ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की बात कर रहे हैं। अब जैसे सर सबसे पहले तो आपको याद रखिए कि सर कार्बन है ऑक्सीजन है ये देखो कि आप उनको प्राप्त होते हैं जो कितना प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना है खनिज पोषक तत्व की आपसे अगर मात्रा पूछता है कितना परसेंटेज होता है, तो ये धरातल के अंदर या जल और वायु के अंदर बात करें तो ये 95 से 96 परसेंटेज होता है, कितना होता है 95 से 96 परसेंट। इसके अंदर कार्बन की बात करें तो कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा, तो सबसे पहले तो आप बताइए कि सर कार्बन कितना होगा, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन होता है 45%, कितना होता है 45%, 6% ये समझ लीजिए, 5 भी हो सकता है और 45% ये होता है,
तो ये आपको याद रखना 96% का आसपास पहुंच जाता है, अपन को याद रखना 95 से 96 के आसपास ये आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये इसकी बात करें कि आगे बात करेंगे सर, इसके बारे में अपन डीपली बात करेंगे, आगे अलग से टॉपिक लेंगे, उसके अंदर आगे अध्ययन करेंगे। दूसरी बात करते हैं कि सर इसके अंदर की बात अलग हो गई, इसके आगे अलावा और पूछे तो देखिए आप बात करें कि देखो थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं, बाद में करेंगे सर। अब बात आती है सर दूसरे पोषक तत्व कौन से, द्वितीयक पोषक तत्व। अब दूसरी बात करें कि सर सेकेंडरी किस है, खनिज पोषक तत्व कौन से आते हैं बेटा, खनिज है पोषक तत्व कौन से हैं, खनिज है पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व को अपन बोल सकते हैं मिनरल न्यूट्रंट्स, क्या बोलेंगे मिनरल न्यूट्रंट्स। खनिज पोषक तत्व आपने ये बोल दिया। अब ये सर ये पूछे तो इनका स्रोत क्या है, ये कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये आपको याद रखना बेटा मृदा से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं, कहां से, सॉइल से प्राप्त करते हैं इनको, कहां से करते हैं सॉइल से। और इनकी संख्या पूछे तो कितनी है, संख्या में है 14, कितने हैं बेटा संख्या में 14। अब आपसे पूछे कि सर दो कैटेगरी, इसको भी अपन कितने कैटेगरी में बांट दिया, दो कैटेगरियों के अंदर डिवाइडेशन किया है, कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरी है। आप देखिए कैसे, अब इसकी बात करते हैं तो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन है। सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर लगा के, अब पहली बात करते हैं तो इसके अंदर लिखिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा लिखेंगे बेटा, मुख्य पोषक है, मुख्य पोषक तत्व क्या लिखेंगे बेटा, मुख्य पोषक तत्व। अब मुख्य पोषक तत्व के अंदर अपन बात करेंगे इसको अपन बोल सकते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलेंगे बेटा मेजर न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलेंगे मेजर न्यूट्रिएंट, क्या बोलेंगे मेजर न्यूट्रिएंट बोल दिया। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं तो मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सर इनकी संख्या होती है बेटा 6, पर इससे पहले अपन को याद रखना है इसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है, 1 ppm से अधिक, 1 ppm से अधिक, मोर देन 1 ppm, यह आपको याद रखना है। इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता 1 ppm से अधिक पड़ती है, कितनी पड़ती है 1 ppm से अधिक पड़ती है, ये भी आपको याद रखना। अब इसके अंदर बात करें कि सर कैसे बांटे इसको, अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले आएगा प्राथमिक पोषक तत्व, कौन सा आएगा प्राथमिक है पोषक तत्व, कौन सा लिखेंगे बेटा प्राथमिक है पोषक तत्व। अब प्राथमिक पोषक तत्व में कौन कौन सा आ जाता है, सबसे पहले तो लिखिए नाइट्रोजन, यह लिख लिया भाई साहब नाइट्रोजन। अब दूसरी बात करें सर इसके अंदर कौन सा आएगा, दूसरा लिख लीजिए फास्फोरस, क्या लिखेंगे बेटा फास्फोरस। और तीसरी बात करें तो कौन सा आ जाएगा पोटेशियम, कौन सा आ जाएगा बेटा पोटेशियम। तो ये न्यूट्रिएंट्स हो गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, कौन से हो गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, कौन से हो गए बेटा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए, कौन से हो गए बेटा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, कौन से हो गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब याद रखिए देखिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उससे पहले अपन को समझना है कि सर प्राथमिक पोषक तत्व इनकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है पौधों को, कितनी है संख्या इनकी, तो संख्या में बेटा 3, कितने हैं 3। इसके बाद हम बात करें सर सेकेंडरी कौन सा आ जाएगा, इसी के अंदर चल रहे हैं सेकेंडरी। दूसरी बात करते हैं तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन से आ गए बेटा, द्वितीयक है पोषक तत्व। अब द्वितीयक पोषक तत्व के अंदर अपने याद रखिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, क्या लिखेंगे बेटा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, यह आपने लिख दिया। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की संख्या भी कितनी बेटा 3 है, कितनी है 3। इसके अंदर आ जाएगा कैल्शियम, इसके अलावा कौन सा आ जाएगा मैग्नीशियम, और तीसरा कौन सा आ जाएगा सल्फर। तो आपने याद रखना है कैल्शियम, और दूसरा लिखिए बेटा मैग्नीशियम, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, तो आपको याद रखिए गंधक या सल्फर, क्या लिखेंगे बेटा गंधक या सल्फर, एक ही बात है अलग बात नहीं है, इसको भी छापिए बेटा। अभी आपको याद रहेगा कैसे याद करना है सारी सारी चीजें, देखिए अपन ने ये डिवाइडेशन दिया था इसका, तो इसको इधर दे देता हूं, हाँ यहां पे देखिए इसको नोट करिए बेटा। अब बात करें सर सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी की बात करते हैं तो यहां पे लिखना सूक्ष्म पोषक तत्व, कौन सा लिखेंगे बेटा सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको अपन बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको अपन बोलेंगे क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसी को अपन बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स, एक ही बात है अलग बात नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात है तो याद रखिए 1 ppm से कम, 1 ppm से कम आवश्यकता पड़ती है। अब इनकी संख्या पूछे कि सर संख्या में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, कितने होते हैं संख्या में 8, कैसे होंगे अब बात करेंगे। अब आपको याद रखिए खनिज के अंदर टोटल कितने हैं 14, अब खनिज के अंदर आपको 14 प्राप्त हुए हैं, अभी इसके अंदर संख्या में 8 हैं, तो आठों के आठों के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिखिए फेरस, ये पहली बार सबसे पहले खोजा गया फेरस था। इसके बाद में बात करेंगे सर फेरस के अलावा लिखिए फेरस, फेरस लिख लो या आपने लिख लो इसको आयरन, क्या लिख लिया बेटा आयरन।
फेरस के अलावा लिखिए बोरॉन, कौन सा आ जाएगा बेटा बोरॉन। इसके अलावा लिखिए एमजी यानी मैंगनीज, कौन सा आ जाएगा मैंगनीज। इसके अलावा आप लिखिए क्लोरीन, कौन सा आ जाएगा बेटा क्लोरीन। क्लोरीन के अलावा इसके अलावा लिखिए एमओ यानी रखना याद रखना मोलिब्डेनम। एक दो तीन चार पर पांच पर सिक्स नंबर बोलिए, इसको सिक्स को और नीचे ले लेते। सिक्स नंबर पे कौन सा आ जाएगा बेटा तो लिखिए कॉपर, कौन सा आ जाएगा सी यू। लिखिए सिक्स नंबर पे कॉपर आ जाएगा सी यू। इसके अलावा सेवन नंबर देखिए बेटा कौन सा आ जाएगा सेवन नंबर। देखिए पहले पहले तो अपन बात कर चुके हैं कितने इनके बारे में, फेरस बोरॉन एमएन मैंगनीज कॉपर याद रखना क्लोरीन मोलिब्डेनम और कॉपर। इसके अलावा बच कौन सा रहा है बेटा तो आपने याद रखना, इसके अलावा कौन सा बच रहा बेटा तो आपने याद रखना जिंक लिखी गया जिंक जेड एन जिंक बच रहा बेटा, कौन सा बच रहा है जिंक। तो यह लिखिए जिंक या जस्ता, लिखिए जिंक या जस्ता। इसके अलावा लास्ट में अपन लिखेंगे कौन सा है एन आई यानी निकल। तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी छोटी सी क्लास थी, वो अपनी खत्म होती है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। अपने एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ाया मैंने। देखिए अपन ने यहां से थोड़ा सा अध्ययन किया था, इसके बारे में पूरी के बारे में चर्चा करूंगा मैं एक बार। देखिए अब आपसे पूछ ले कि सर न्यूट्रिएंट्स होता है यानी पोषक तत्व होता है, उसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे। आपसे पूछे कि सर आवश्यक पोषक तत्वों की पौधों को कितनी आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होगा बेटा 17। कितने 17, कितने 17। आपको याद रखिए सर सबसे पहले खोजा गया पोषक तत्व कौन सा था, तो याद रखिए फेरस। और सबसे अंत में खोजा गया पोषक तत्व कौन सा था, निकल। आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजा गया पोषक तत्व कौन सा, किसने खोजा था, ग्रीस ने 1837 में। और इसने आपसे पूछे कि सर ब्राउन ने खोज की निकल की कब की, 1987 के अंदर। ये अपन बेसिक सी बात थी, तो ये अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में बात करें आगे, देखिए इसके आगे वाले बात करते हैं। दूसरी बात करें कि सर आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी थी, आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले किसने बनाया था, आर्नोन रिस्टाउट ने बनाया। कब बनाया, 1939 में। आपसे पूछे कि सर आर्नोन रिस्टाउट के द्वारा खोजा गया पोषक तत्व संख्या में कौन सा था, 16वां। और कौन सा खोजा गया था, मोलिब्डेनम। कौन सा खोजा गया था बेटा, मोलिब्डेनम। दोबारा से इसकी खोज कब की गई, आर्नोन ने की कब की, 1954 के अंदर की। कब की बेटा, 1954 के अंदर। कब की थी, 1954 के अंदर इसने खोज की। अब आपसे पूछे कि सर आवश्यक पोषक तत्व के क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्व कोई भी न्यूट्रंस है उसकी कमी होती है, कोई भी न्यूट्रंस की अगर कमी होती है तो वही पोषक तत्व उसका पूरा करेगा, अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। जैसे धान में खैरा रोग हो रहा है, खैरा रोग होता है किसकी कमी से, जिंक की कमी से। अब धान में खैरा रोग जिंक की कमी से हो रहा है तो जिंक ही डालेंगे, उसकी जगह फेरस नहीं लगाएंगे। दूसरी बात करें, सेकेंडरी बात करते हैं, तो देखिए अब सर आपसे पूछ ले कि सर दूसरा कार्य क्या है, तो आपने याद रखना है कि जो पोषक तत्व है पेड़ पौधों के अंदर कौन सी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के अंदर भाग लेता है यानी उपवाची क्रिया करवाते हैं। वाष्पोत्सर्जन में कौन सहायक होता है, पोटेशियम। क्लोरोफिल में सहायक कौन सा होता है, मैग्नीशियम। और फलों का रंग में कौन सहायक होता है, तो आपको याद रखना पोटेशियम कार्य करता है, कौन कार्य करता है, पोटेशियम। इसके बाद हम बात करें आगे कि सर आवश्यक पोषक तत्व, आपसे पूछ ले कि सर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब मैंने पोषक तत्वों का वर्गीकरण है वो दो आधार पर बांटा गया है, दो भागों के अंदर बांटा है, एक तो खनिज पोषक तत्व और दूसरा अखनिज। अखनिज पोषक तत्व जिसको आधारभूत पोषक तत्व बोल सकते हैं या संरचनात्मक पोषक तत्व भी कह सकते हैं या फ्रेमवर्क पोषक तत्व कह सकते हैं। या आपको याद रखना 95 से 96% पाया जाता है। और इनको कहां से प्राप्त किया जा सकता है, जल और वायु से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर आ जाएगा कार्बन आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा हाइड्रोजन, तीसरा कौन सा आ जाएगा ऑक्सीजन। अब बात करें जैसे इसी प्रकार से अपन समझ सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6। देखिए C6 है H12O6, ये भी ग्लूकोज का एक फ्रेम के अंदर डाल दीजिए, फ्रेमवर्क बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन को याद रखना है। इसके बाद में बात करें सर दूसरी कौन सी बात आ गई, दूसरी देखिए आपसे पूछे सर खनिज पोषक तत्व संख्या में कितने होते हैं, 14। कितने होते हैं संख्या में, 14। और ये कहां से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं बेटा, मृदा से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होंगे। ये कहां से प्राप्त होंगे, मृदा से प्राप्त होंगे। अब आपसे पूछे कि सर इनको दो कैटेगरी में मुख्य पोषक तत्व बोल सकते हैं या इसको अपन बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। इनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक जरूरत पड़ती है।
इसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व आ गए। प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा कौन सा आ गया? द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व को अपने सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स इसमें आ जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन सा आ जाएगा? सल्फर। कौन सा आ जाएगा बेटा? सल्फर आ जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें सर सेकेंडरी, दूसरा है किस भागों में बांटा गया है? आपको पूछा कि सर दूसरा भाग बांटा है इन्होंने कौन सा? दूसरी कैटेगरी है बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है बेटा? संख्या में कितने होते हैं? आठ होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? आठ। और इनकी आवश्यकता कितनी पड़ती है? एक पीपीएम से कम आवश्यकता पड़ती है, 1 ppm से अधिक जरूरत पड़ती है इसकी। इसकी बात करें सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसके पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना आयरन था। आयरन को खोजा था ग्रीस ने 1837 के अंदर। इसके बाद में याद रखना बोरोन है। बोरोन के कारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फलों का फटना। क्या होता है? कि फल फट जाते हैं, फलों का फटना। इसके बाद हम बात करें मैंगनीज, मैंगनीज के अलावा आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन के अलावा आ जाएगा मोलिब्डेनम। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अलावा कॉपर आएगा, कॉपर के अलावा जिंक, और जिंक के अलावा आपको याद रखना लास्ट में खोजा गया वो है निकल। तो ये अपनी जो क्लास थी वो इसी यहाँ पर खत्म होती है। इसी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।